कानपुर से बोल रहे हैं अनु अवस्थी। ये वीडियो केवल उन लोगों के लिए हम बना रहे हैं जो कोरोना को हंसी मजाक में ले रहे हैं, जो कह रहे हैं कोरोना का कोई महत्व नहीं है, कोरोना कुछ होता नहीं है। तो अगर हमारी ये वीडियो वायरल करिएगा तो केवल उसको भेजिएगा जो कोरोना का हंसी मजाक उड़ा रहे हैं। मेरी एक बात दिमाग से सोचिए, आप बहुत बहादुर हैं, आपका कोरोना क्या दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता। और सोचिए एक दिन आप घर में लेटे हो और आपकी बिटिया ने आपका हाथ पकड़ा और कहा पापा के बुखार है, उसके बाद आपको जांच के लिए भेजा गया, अस्पताल में आपकी जांच हुई, उसके बाद 3 दिन तक का आप घर में रहे, आधी जान तो जांच में निकल जाएगी, इतना बड़ा फुटा गर्दन में डाल दिया जाता है और 3 दिन बाद जांच गड़बड़ हुई। तो आप महसूस करिए एक जगह बैठ के कि उसके बाद होगा क्या। उसके बाद होगा ये कि नगर निगम जगह डिसाइड करेगी कि आपको कौन से अस्पताल में रखना है। एक सनसनाती भाई हूटर बजाती भाई एम्बुलेंस आएगी, आपको घर से निकालेगी और मोहल्ले वाले गली वाले आपको देख रहे होंगे, केवल आपका परिवार दुखी हो रहा होगा, पूरा मोहल्ला खुश होगा, कहेगा अच्छा हुआ ये गए, कहे कि आप दिन भर घूमते हो, किसी का कहना नहीं मानते हो, किसी के कहे पे नहीं चल रहे हो, अपने को बहुत बलशाली मान रहे हो। और उसके बाद आवाज आएगी कि इनके 2 जोड़ी कपड़े एम्बुलेंस में डाल दो और एम्बुलेंस हूटर बजाते हुए आपको लेके एक ऐसी जगह एक ऐसे कमरे में डाल देगी कि जहां केवल आप होंगे। अब आपके बच्चे आपकी माँ आपकी पत्नी घर में इंतजार कर रहे हैं, अगर रिपोर्ट अच्छी आ गई तो आप अपने घर आ जाएंगे, और सपोज करिए अगर वो रिपोर्ट गलत आ गई तो आप कहाँ जाएंगे पता है, एक पॉलीथीन में लपेटे जाएंगे और उसके बाद सीधे अंतिम संस्कार, उसके बाद और कहीं नहीं, आपके घर वाले भी नहीं देख पाएंगे आपको। और जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो जिस दम पे आप फूलते हो, जिस दम पे आपका परिवार फूलता है, पता है आपको उसकी स्थिति क्या होगी, आपका बेटा कहीं प्राइवेट नौकरी कर रहा होगा, आपकी बेटी जाने किस हालात में होगी, आपकी पत्नी हो सकता बर्तन चौका करके अपना पेट पाले। तो ऐसा ना करो मेरे भाइयों, घर पे रहो, ये कोरोना किसी का भेजा हुआ नहीं है, ना किसी के बस का है, ये एक बीमारी है, किसी के भी लग सकती है। हमारे यहाँ का शासन प्रशासन इतना अच्छा है, आपको हर तरह का मौका दे रहा है, सारे काम करने का मौका दे रहा है, उसके बाद आप घर में नहीं बैठ रहे हो, उसके बाद डॉक्टरों पुलिस के ऊपर ईंटा गुम्मा चला रहे हो, चाहते क्या हो। अरे मरना चाहते हो तो अकेले मर जाओगे, पूरे मोहल्ले को मार डालोगे। मेरा हाथ जोड़ के एक ही निवेदन है, घर रहिए, सरकार का सहयोग करिए, शासन प्रशासन का सहयोग करिए। हम अनु अवस्थी कानपुर से बोल रहे हैं, आपसे निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, पैर छू के निवेदन कर रहे हैं, इसका मजाक ना उड़ाओ, नहीं झेल ना पाइयो, खूंटी में फोटो टंग जाई तुम्हारे चक्कर में, पूरा मोहल्ला सील हुई जाई। इसलिए कम से कम अगर सैनिक हमारे देश के बाहर खड़े होकर देश की सेवा कर रहे हैं तो तुमका घर में रही के नहीं कर सका, तो पुलिस प्रशासन डॉक्टर सब लगे तुमका बचाए में, तुम मरे के लिए घूम रहे हो, बहुत शर्म की बात है। अगर तुम आज से सड़क पे निकले हो तो सोच लीनो ये देश के लिए तुम एक कूड़ा बन के पैदा भयो। अनु अवस्थी बोल रहे, पहचान तो गए हो।